व्हाट्सअप लवली पीपल गाइस, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ और करने वाले काफ़ी अमेजिंग एक्सपेरिमेंट। इसके लिए हमारे पास है पफर बॉल। यार ये काफ़ी सॉफ्ट बॉल है, काफ़ी यूनिक टॉयज है और कुछ इस तरह से प्रेस करने पे देखो ये फूल जाता है, फटता नहीं है। तो यार इसके साथ करने वाले हैं काफ़ी अमेजिंग एक्सपेरिमेंट। इसके लिए लिया हमने फिर से हमारा स्काई सॉर्ड। इसके लिए लिया हमने स्काई सॉर्ड। स्काई सॉर्ड के ऊपर इसको रख के ट्राई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने लिया कोका जो आता है पेंटा स्काई सॉर्ड, उसमें से एक स्काई सॉर्ड यहाँ पर लिया है। इसको इसके ऊपर रखेंगे पफर बॉल को और इसको कर देंगे इग्नाइट। देखें कितनी हाइट तक ये जाने वाला, हाइट तक जाएगा या फिर हो सकता है बीच में फट जाए, तो काफ़ी मज़ा तो यहाँ पर आने वाला है। तो इसके साथ साथ हमने एक बिग स्काई सॉर्ड भी लिया है जो कि है दार अरविंद फायर वर्क का, जो कि काफ़ी बड़ा है। यार देखेंगे इस बॉल का हाल क्या करने वाला है इस पफर बॉल का, जब इसके ऊपर रख के इसको इग्नाइट करेंगे कितनी हाइट तक लेकर जा पाएगा, ये फटेगा नहीं फटेगा या फिर कितनी हाइट तक जाने वाला, तो काफ़ी मज़ा तो यहाँ पर आने वाला ही है। तो प्लीज़ आप अभी से कर दीजिएगा वीडियो को लाइक एंड शेयर, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब। तो फटाफट से इसको रख के इसके ऊपर करते हैं इग्नाइट और देखते हैं कैसा नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। गाइस पफर बॉल को रख दिया हमने पेंटा शॉट के ऊपर और कर देते हैं इसको इग्नाइट और देखते हैं क्या हालत ये पेंटा शॉट इस पफर बॉल की करने वाला, और देखते हैं कितनी हाइट तक हो सकता है जाए या फिर हो सकता है बीच में ही फट जाए। फटाफट से कर देते हैं इसको इग्नाइट। गाइस करते हैं पेंटा शॉट को इग्नाइट, बस ये बीच में गिरे ना। ओह माय गॉड गाइस, यहाँ पर जो पफर बॉल है उसकी हालत देखिए किस तरह की यहाँ पर हो चुकी है, और इसके अंदर से जो लाइट निकलती है, जिसके अंदर लाइट जलती है यहाँ पर, जो लाइट वो जलने लगी है और काफ़ी हाइट तक गया। वैसे इससे ज़्यादा की उम्मीद कर भी नहीं सकते क्योंकि ये इसके अंदर जब स्काई शॉट निकलता है ये एकदम सी कंप्रेस हो जाती है, यानी चिपक जाती है बॉल, काफ़ी शॉट टाइप की एकदम सी दब जाती है। तो यानी जो इसके अंदर से जो प्रेशर क्रिएट हुआ था वो ज़्यादा इसको लगा नहीं, क्योंकि ऐसे करके ये पिचक गई होगी जब इसके अंदर से स्काई शॉट के अंदर जो सेल निकलता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा हाइट तक नहीं गई, फिर भी काफ़ी हाइट तक गई। तो अब ट्राई करते हैं बिग स्काई शॉट के ऊपर रख के इसको, और देखते हैं वो स्काई शॉट इस बॉल को कितनी हाइट तक लेके जाएगा। इस छोटे पेंटा शॉट ने तो इसको फाड़ कर रख दिया है। गाइस पफर बॉल को रख दिया है हमने जो रविंद्र फाइवर का स्काई शॉट है, बिग स्काई शॉट उसके ऊपर, और कर देते हैं इसको इग्नाइट और देखते हैं कितनी हाइट पर ये जाने वाला है। और पिछले स्काई शॉट में क्या हुआ था, जब पेंटा शॉट के ऊपर रखा था ये पफर बॉल फट गई थी, अब देखना होगा यहाँ पर ये फटेगी या कितनी हाइट तक ये जाने वाली है। तो फटाफट से इसको करते हैं इग्नाइट। स्टार्ट गाइस, इस बार बॉल काफ़ी हाइट तक गई। मजे की बात है यहाँ पर जो इस बार बॉल फटी नहीं, क्योंकि सेल के ऊपर जो अरे फट चुकी है गाइस, हवा सारी इसकी निकल चुकी है। बट जितना डैमेज पिछले छोटे स्काई शॉट में हुआ उतना डैमेज यहाँ पर नहीं हुआ, क्योंकि सेल के ऊपर जो स्काई शॉट के ऊपर एक रैपर लगा होता है जो इसके ऊपर उसने इस बॉल को जो हिट किया, इसलिए ये काफ़ी हाइट तक गई पिछली बार के कंपेरिजन में और फटी भी। बट जो पिछली बार के स्काई शॉट ने जो उसकी हालत कर दी थी कुछ इस तरह की हालत यहाँ पर नहीं हुई। गाइज आई होप आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो कर देना लाइक एंड शेयर, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी अमेजिंग अमेजिंग वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।